स्टूडेंट्स, आई एम विशाल सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल रिसर्च इन एजुकेशन। पिछले क्लास में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था, जैसे नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के थे, उनमें हमने बहुत सारे टाइप्स को पढ़ा था। दूसरा न्यूरॉन, जिसको नर्व सेल भी कहते हैं, उसके डायग्राम को देखा था, उसमें मैसेज के ट्रांसमिशन को देखा था। और तीसरा रिफ्लेक्स एक्शन और उसके पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहते थे। आगे स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन ब्रेन। तो आइए देखते हैं हमारा ब्रेन दो हिस्सों में बटा होता है। एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक होता है राइट हेमिस्फीयर। आखिर ये हेमिस्फीयर का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके से। हमारा जो ये राइट हेमिस्फीयर है, ये हमारे बॉडी के लेफ्ट एरिया को कंट्रोल करता है, लेफ्ट रीजन वाले साइड को। और जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है, वो हमारे राइट रीजन बॉडी एरिया पार्ट्स को कंट्रोल करता है। यानी हमारा जो हेमिस्फीयर का कनेक्शन है, वो जस्ट अपोजिट है बॉडी के। तो अगर देखें तो इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर में क्या है। हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर जनरली वर्बल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। वर्बल कम्युनिकेशन यानी बोलना, गाना, चिल्लाना, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। वही हमारा राइट हेमिस्फीयर जस्ट उसके उल्टा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी हम बिना बोले किसी से कुछ कह दें, यानी इशारे से, आई कॉन्टेक्ट, कुछ सोच रहे हैं, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा? राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर हमेशा पॉजिटिव इमोशन को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर नेगेटिव इमोशन। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो आपने एग्जाम दिया 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स में आपके 99 मार्क्स आए, बहुत खुशी की बात है, आप तो खुशी से उछल पड़ोगे। तो वो खुशी कौन आपको पहुंचा रहा है? वो हम पहुंचा रहा है लेफ्ट हेमिस्फीयर, क्योंकि लेफ्ट हेमिस्फीयर ही क्रिएट करता है पॉजिटिव इमोशन। और आपका राइट हेमिस्फीयर आपके दिमाग में ये चीज को डालेगा कि 99 कि जगह अगर 100 होता तो और भी ज्यादा मजा आता। यानी उस एक मार्क कटने का गम ये राइट हेमिस्फीयर क्रिएट करेगा आपके बॉडी के अंदर। तो ये है निगेटिव इमोशन। और देखें, अगर एक राइट हैंडेड पर्सन को देखा जाए, तो उसका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो ज्यादा डेवलप होता है। तो अगर लेफ्ट हैंडेड पर्सन है, तो उसका कौन सा हेमिस्फीयर ज्यादा डेवलप होगा? राइट हेमिस्फीयर, क्योंकि हमने अभी तो कनेक्शन पढ़ा। यानी इसलिए अगर कोई इंसान राइट हैंडेड है, तो उसका इस कनेक्शन कहाँ है? उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर। और लेफ्टी है तो उसका जो कनेक्शन है वो किसके पास पहुंच रहा है? वो राइट हेमिस्फीयर के पास पहुंच रहा है। दूसरा, अगर ये दोनों हेमिस्फीयर अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो ये हमारे बॉडी के राइट रीजन को कंट्रोल कर रहा है और लेफ्ट हेमिस्फीयर, और हम उस चीजों को करें, वो चीजें दोनों हेमिस्फीयर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो गया। मान लो मैंने अभी कुछ बताया आपको, साथ में मैं आपको कुछ डिनोट भी कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, यानी दोनों काम मैं कर रहा हूँ। तो इस दौरान दोनों हेमिस्फीयर में ये मैसेज को पहुंचना इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों हेमिस्फीयर के बीच में एक कनेक्शन भी होना इम्पोर्टेंट है। और ये कनेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम एक स्ट्रक्चर है जो कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है। अब आप देख रहे हो ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम, तो देखते हैं। सो जो ह्यूमन ब्रेन सबसे इसेंशियल पार्ट होता है किसी भी एनिमल के लिए, तो इतने इसेंशियल पार्ट को तो प्रोटेक्शन भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। तो इस ब्रेन को प्रोटेक्शन देखो किस तरीके से मिला। सबसे पहले जो सबसे एक्सटर्नल पार्ट है हमारे ब्रेन का, यानी स्कल, जिसको क्रैनियम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है मेनिंजेस। मेनिंजेस एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, कवरिंग होते हैं, जो ब्रेन को चारों तरफ से सराउंड करके रखते हैं। और तीसरा सीएसएफ, जिसका फुल फॉर्म है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जैसा कि नाम सेरेब्रो वर्ड आया सेरेब्रम से, स्पाइनल वर्ड स्पाइनल कॉर्ड से, और फ्लूइड है, ये एक लिक्विड है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को प्रोटेक्ट करता है। किस तरीके से? ये सीएसएफ क्या है? एक फ्लूइड है। इस फ्लूइड के ऊपर हमारा ब्रेन क्या होता है? फ्लोट होता है। अगर एक ह्यूमन ब्रेन का वेट पूछा जाए, तो मेल के अंदर अबाउट 1400 ग्राम एंड फीमेल के अंदर 1250 ग्राम के आसपास। लेकिन क्या आप में सच में आपको फील होता है कि आप 1.4 केजी का ब्रेन या 1.25 केजी का ब्रेन अपने सर के ऊपर रखे हो? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर, इस सीएसएफ के ऊपर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ऊपर। तो हमारे जो ब्रेन का जो वेट हमें फील होता है, वो अबाउट 200 ग्राम होता है। तो सोचो इस सीएसएफ के कारण कितना कम हम वेट फील करते हैं। दूसरा, ये हमें जर्क से बचाता है, हमारे ब्रेन को जर्क से बचाता है। यानी अगर ब्रेन थोड़ा बहुत इधर उधर हो, तो इसका जो वॉल है स्कल या क्रैनियम से, उससे टकराकर वो डैमेज ना हो। अब देखते हैं, ब्रेन को जनरली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मीड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे ज्यादा कौन सा पोर्शन, कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट
ऑक्यूपाई कर रहा है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर दो चीज आती है, सेरेब्रम एंड डाइसेफलॉन, आगे देखेंगे उसको। दूसरा है मिड ब्रेन जो कि आपको नहीं जानना, और तीसरा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन देखो तो यहाँ जो ब्रेन मिड ब्रेन के बाद एक स्ट्रक्चर है पॉन्स, उसके बाद मेडुला जिसको मेडुला ऑब्लोंगाटा भी कहा जाता है, और तीसरा है सेरिबेलम, और इन तीनों को एक साथ हाइंड ब्रेन कहते हैं। याद रखना इसको कि कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सेरिब्रम और सेरिबेलम, मान लो आपको डायग्राम दे दिया गया तो कभी कभी कंफ्यूजन होते कि ये सेरिब्रम था सेरिबेलम था या वो सेरिब्रम या सेरिबेलम था, तो इस तरीके से याद रखते हैं। लुक लाइक अ ड्रम इज सेरिब्रम एंड लुक लाइक अ बेल, यानी बेल की तरह लटका हुआ रहता है नीचे वाले पोर्शन में, वो क्या है सेरिबेलम, इसमें बेल लगा हुआ, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, जो कि पी शेप का होता है, एक मटर के दाने की जितना। तो देखते हैं सबसे पहले फोर ब्रेन। अगर फोर ब्रेन में देखा जाए तो दो पार्ट सेरिब्रम एंड डाइसेफलॉन। सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन भी कह सकते हैं और फोर ब्रेन भी कह सकते हैं, फोर ब्रेन का भी सबसे लार्जेस्ट पार्ट और ब्रेन का भी सबसे लार्जेस्ट पार्ट। ये हमारे बॉडी के पांचों सेंसेस को कंट्रोल करता है, पांचों सेंसेस यानी स्मेल, टेस्ट, टच, लिसनिंग और साइट यानी देखना, और साथ ही साथ इमेजिनेशन को भी कंट्रोल करता है ये सेरिब्रम। दूसरा पॉइंट, जितने भी बॉडी में वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ आप जो भी याद करते हो, जो भी क्वेश्चन आंसर या फिर नोट्स याद करते हो, उसका नॉलेज स्टोर कहाँ होता है, इसी सेरिब्रम के अंदर। तो आज से याद रखना कि रिस्पॉन्सिबल कौन है आपके नॉलेज को कम या ज्यादा करने के लिए, सेरिब्रम। नेक्स्ट पार्ट है डाइसेफलॉन। डाइसेफलॉन तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। यानी सेरिब्रम के अंदर ही एक रीजन होता है, एक कैविटी होती है जिसको डाइसेफलॉन कहते हैं। उस कैविटी का जो एक्सटर्नल लेयर होता है वो एपिथैलेमस होता है, उसके बीच में थैलेमस एंड सबसे लोअर रीजन में हाइपोथैलेमस, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कौन है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए बस हाइपोथैलेमस ही, लेकिन जान लेते हैं थैलेमस के बारे में। थैलेमस क्या है, सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। सेंसरी मोटर नॉब्स आपने पढ़ा था अभी पिछले ही क्लास में। तो मोटर सेंसरी नॉब क्या होती है, जो इफेक्टर ऑर्गन से उस मैसेज को लेके जाते सीएनएस तक, और मोटर न्यूरॉन या मोटर सिग्नल्स क्या होते हैं, यानी वो मैसेज जो हमारे सीएनएस से उस इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाता है, वो नर्व जो जाता है। डाइसेफलॉन का सबसे मेन पार्ट हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को देखते हैं, हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है, यानी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। बहुत ज्यादा गर्मी लगी स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ठंड लगी कांपना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये कौन करा रहा है, हाइपोथैलेमस। और एक और है, बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि हंगर एंड थ्रस्ट सेंटर फाउंड इन, आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस। हंगर एंड थ्रस्ट यानी भूख प्यास जो लगती है उसका जो सेंटर है हाइपोथैलेमस, यानी यही हमें बताता है कि आपको भूख लगी है और प्यास लगी है। हाइपोथैलेमस को एक और नाम से जानते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर क्यों, देखो हाइपोथैलेमस के नीचे ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये ग्लैंड हमारी बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है सबको कंट्रोल करता है, और इसको भी कंट्रोल करने वाला एक है हाइपोथैलेमस, यानी ये मास्टर का भी मास्टर निकला, दैट्स व्हाई कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ये क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन को सिक्रीट करा के पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, इसको याद रखिएगा। मिड ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा, तो मिड ब्रेन क्या करता है, ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। दूसरा ये ईयर एंड आई रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। ये रिफ्लेक्स आपने लगता है कहीं सुना है, अगर नहीं सुना तो पिछले वीडियो को देखो, उसमें रिफ्लेक्स एक्शन मैंने बताया था, वहां मैंने ये समझाया था कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो सोचो वहां मैंने रिफ्लेक्स बताया तो यहां रिफ्लेक्स ये क्यों आया, ये है पढ़ना अगर सही भी है तो क्यों आया, तो ये सोचते हैं। हमें रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा इसलिए पढ़ा, वो रिफ्लेक्सेस क्यों होते थे, ताकि अगर स्पाइनल कॉर्ड ही इस चीजों को कंट्रोल करेगा, कुछ सिचुएशंस को कंट्रोल करेगा तो बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि अगर लेंथ देखें तो वो डिस्टेंस नर्व से स्पाइनल कॉर्ड का डिस्टेंस बहुत कम है, अगर ये ब्रेन तक जाता तो और ज्यादा डिस्टेंस हो जाता। तो सोचो हमारा आई और ईयर, अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म हो रहा है इसका, तो अगर ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करे, अगर ये ब्रेन कंट्रोल करे, तो दोनों में कौन सा डिस्टेंस कम होगा हमारे ब्रेन का, यानी मिड ब्रेन बहुत ही पास आता है आई और ईयर से, इसलिए आई और ईयर का रिफ्लेक्स कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। और ये होते क्या है, जैसे अचानक आपको किसी ने मारने की कोशिश की, आपकी आंखें बंद हो गई, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। आप कहीं रोड पर जा रहे हो, आप पीछे से किसी ने हॉर्न बजाया और रोड पर से आप कूद गए, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। दूसरा देखते हैं हाइंड ब्रेन।
हाइंड ब्रेन तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, जिसको मेडुला ऑब्लोंगाटा भी कहा जाता है। पॉन्स रीजन में देखें तो पॉन्स जो होता है वो मीड ब्रेन के जस्ट नीचे और मेडुला ऑब्लोंगाटा के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। ये किस टाइप का सेंटर है? ये सेंटर हमारे ब्रीदिंग जो रिदम है इसको चेंज करने के लिए सेंटर है, यानी हमारी बॉडी में जैसे ही जरूरत पड़ती है कि ब्रीदिंग रेट को हाई करना या लो करना है तो ये सेंटर एक्टिव होता है और ब्रेन को मैसेज करता है इस काम को करने के लिए। दूसरा है सेरिबेलम। अभी भी बात किया था सेरिब्रम और सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम एक बेल की तरह लटका हुआ पोर्शन है जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के कुछ वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे मस्कुलर मूवमेंट, मेंटेनिंग ऑफ बॉडी पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। मस्कुलर मूवमेंट यानी हमारे मसल्स का मूवमेंट। दूसरा बैलेंसिंग समझ सकते हो, क्योंकि अगर कोई इंसान शराब पीता है तो उसका जो सबसे फर्स्ट जो हिस्सा बॉडी का जो पार्ट डैमेज होता है वो होता है सेरिबेलम, लेकिन कुछ ही टाइम तक। तो ये सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंसिंग का काम करता है, किसी इंसान को सीधा चलने में हेल्प करता है। सोचो जब यह डिस्टर्ब होगा सेरिबेलम तो ये काम करना बंद कर देगा, इसलिए शराब जिसने पी होती है वो सीधा लाइन पे कभी नहीं चल सकता। और इक्विलिब्रियम यानी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो बॉडी को इस तरीके से अडेप्ट करें कि सारी चीजें इक्वल अमाउंट में होती जाए। तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है, हमारी बॉडी के ज्यादातर इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन यानी सलाइवा का आना माउथ में, अचानक किसी फूड को देख के आप लालच आता है और सलाइवेशन होना स्टार्ट हो जाता है माउथ में, वॉमिटिंग होना, मेटाबॉलिज्म का चेंज होना, ये सब कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। नीचे नोट में मैंने लिखा कि ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मीड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस है वो मीड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलकर ही कंट्रोल कर, और जितने भी वॉलंटरी एक्शंस है वो हमारा फोर ब्रेन, याद रखिएगा वहां मैंने लिखवाया स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं। अगर डायग्राम को याद करो तो तुरंत मेडुला ऑब्लोंगाटा से जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो वो नीचे आने पर क्या होता है, हमको स्पाइनल कॉर्ड देखता है, यानी उसके जस्ट बाद स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। कहीं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन के नर्व्स गए हुए हैं और वो एक्सटर्नली किससे प्रोटेक्टेड है, एक बोनियस स्ट्रक्चर से जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहा गया, यानी हमारा स्पाइनल कॉर्ड उसके ऊपर वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या, स्पाइनल कॉर्ड एक कनेक्शन बनाता है ना हमारे ब्रेन और हमारे बाकी इफेक्टर ऑर्गन में जो नर्व्स है उनके बीच में कनेक्शन कौन बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड, यानी जितने भी नर्व्स यहाँ से पास आउट होते हैं वो सब स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही होकर जाएंगे, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड में एक बंडल बन जाता है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं इसको। और प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ वर्टिब्रल कॉलम भी प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे ब्रेन में स्कल प्रोटेक्ट कर रहा था, यहाँ वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। और दूसरा CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारे बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा पार्ट बॉडी के ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है या फिर रिफ्लेक्स एक्शन को ही कंट्रोल करता है, इतना ही आ जाए, उसका आंसर हमेशा स्पाइनल कॉर्ड ही होगा। मिड ब्रेन एक्सेप्शनल केस है जो कि आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने बस थोड़ा सा बता दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सोचो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी का द मोस्ट इसेंशियल ऑर्गन है, इसमें कोई डाउट नहीं। सोचो इस ऑर्गन को प्रोटेक्शन भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। अगर देखें तो इसमें प्रोटेक्शन तीन चीजों से मिलती है, एक है CSF, दूसरा मेनिंजेस और तीसरा स्पाइन। CSF का फुल फॉर्म सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जैसे कि बात करते हैं सेरिब्रो इसलिए क्योंकि ये सेरिब्रम के आसपास भी प्रेजेंट होता है, स्पाइनल इसलिए क्योंकि स्पाइनल के आसपास भी होता है, और ये एक लिक्विड मटेरियल है इसलिए फ्लूइड टर्म यूज किया गया। तो ये फ्लूइड क्या करता है, ये लिम्फ के तरह होता है। लिम्फ आपको शायद याद होगा, आपने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन में ह्यूमन बींग में एक ब्लड होता है, एक लिम्फ होता है। तो एक लिम्फ की तरह ही ये जेले लाइक सबस्टांस होता है जिसके ऊपर ब्रेन हमारा स्विम करता है, फ्लोट करता है। हमारे जो ब्रेन का एक्चुअल साइज होता है, एक्चुअल जो वेट होता है वो 1400 ग्राम इन मेल एंड और 1250 ग्राम इन फीमेल, और इस वेट को बहुत ही कम 6-7 गुना कम फील कर पाते हैं इसी CSF के कारण। दूसरा ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, यानी किसी जर्ब से बचाता है, डैमेज होने से बचाता है हमारे ब्रेन को। दूसरा मेनिंजेस, मेनिंजेस एक मेम्ब्रेनस लेयर है जो कि कनेक्टेड टिश्यू से बना होता है, यहाँ तीन लेयर्स होते हैं और ये तीनों लेयर ब्रेन को सराउंड करते हैं चारों तरफ से, किसके अंदर, स्कल के जस्ट अंदर। और तीसरा हमारा स्कल जिसको क्रैनियम भी कहा गया है, और ये सबसे आउटर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, और ये क्रैनियम टोटल 8 बोन से मिलकर बना हुआ है। अगर आप ब्रेन के डायग्राम को देखो
तो ब्रेन के डायग्राम में जो नीचे वाला रीजन है वो एक प्लांट के स्टेम की तरह दिखता है, इसलिए उस रीजन को ब्रेन स्टेम भी कहा गया। इसलिए नोट में मैंने लिखवाया मीड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन एक्सेप्ट सेरिबेलम, क्योंकि सेरिबेलम पार्ट उस स्टेम रीजन के अंदर नहीं, उसके जस्ट बगल में आता है, इसलिए इन दोनों पार्ट को एक साथ ब्रेन स्टेम कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक एक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू ऑन स्टिमुलस, यानी किसी चेंज के टुवर्ड्स किस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम एक्शन करता है। सबसे पहले स्टिमुलस होगा, यानी एनवायरमेंट में कोई चेंज होगा और हमारा सेंसरी ऑर्गन, जो भी ऑर्गन है वहां सेंसरी ऑर्गन उस चीज को क्या करेगा, रिसीव करेगा। उसको रिसीव करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाएगा, या फिर सीएनएस तक कह सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। किसके द्वारा? सेंसरी नर्व के द्वारा। वहां क्या होगा, वहां वो मैसेज जाने के बाद मैसेज रिसीव होगा, उसमें प्रोसेसिंग चलेगी और फिर डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम होगा, यानी क्या डिसाइड करना है उसके आधार पर। फिर से वहां से मोटर नर्व उस सिग्नल को लेके आते हैं किसके पास, मसल के पास। याद रखना कि मसल के पास हमेशा जो सिग्नल लेके पहुंचता है वो मोटर नर्व होता है, सेंसरी नर्व हमेशा सीएनएस के पास सिग्नल लेकर आता है। तो मसल के अंदर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि मसल्स के अंदर प्रोटीन होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, इन प्रोटीन के अंदर रीअरेंजमेंट होता है और इसी कारण मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन होता है। तो रीअरेंजमेंट के बाद वो मसल शॉर्टन होगा, यानी उसमें कोई रिस्पॉन्स होगा, और इस तरीके से ये हमारा एक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू खत्म होता है। तो यही हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम भी खत्म होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम।